आप सभी का स्वागत है। मास्टर कैम के इस वीडियो में हम सरफेस टैब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मास्टर कैम के बिगनर्स ट्यूटोरियल में अब तक हमने मास्टर कैम के डिफरेंट टैब्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि होम, वायर फ्रेम, सॉलिड्स, ट्रांसफॉर्म, व्यू और मशीन के हमने लगभग ढेर सारे वीडियोज बना चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे काफी ज्यादा यूज होने वाली सरफेस टैब के बारे में। तो सरफेस टैब के अंदर जितनी भी कमांड्स होती है उन सभी कमांड्स के बारे में वन बाय वन करते हुए पढ़ेंगे, और जितनी भी हमारी कमांड्स है उन कमांड का क्या यूज होता है, उसके अंदर के पैरामीटर्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम उन कमांड का ट्रिक्स की मदद से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप समझने वाले हैं मास्टर कैम के सरफेस टैब के अंदर क्रिएट के अंदर मौजूद जितनी भी आपकी कमांड्स है सभी कमांड्स के बारे में हम बात करेंगे, ओनली पावर सरफेस को छोड़ के। पावर सरफेस अपने आप में एक अलग ही कमांड है, इसके अंदर ढेर सारे ऑप्शंस हैं, ढेर सारे पैरामीटर हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारी कमांड है, जो हमारा सरफेस के अंदर सबसे पहले ऑप्शंस है, वो है हमारे सिंपल, जो कि सिमिलरली है सॉलिड की तरह, तो इनका यूज आप सिमिलरली इन्हीं की तरह कर सकते हैं। देन हमारा क्रिएट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है सॉलिड की मदद से सरफेस को क्रिएट करना। इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास सरफेस क्रिएट करने के लिए आपके पास सॉलिड पार्ट होना चाहिए। तो आइए समझते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरे पास एक ये सॉलिड क्यूब है, अब मुझे इस सॉलिड क्यूब में किसी भी एक फेस पर सरफेस क्रिएट करनी है। तो किस तरीके से सरफेस क्रिएट करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे सरफेस टैब में और हमें क्लिक करना है फ्रॉम सॉलिड। जिस फेस पर आपको सरफेस क्रिएट करना है उस फेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप मल्टीपल सरफेसेस भी क्रिएट कर सकते हैं एक साथ। तो मुझे इन दो जगह पर हमें सरफेस की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने दोनों ही सिलेक्ट कर लिए हैं। देन एंड सिलेक्शन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे यहाँ इस पार्ट में दो फेसेस पर सरफेस क्रिएट हो चुकी है। अब यदि मैं चाहूँ तो इस सॉलिड को यदि मैं डिलीट भी करूँ तब भी जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास अभी भी दोनों जगह, या कहूँ कि जिन दो फेसेस को मैंने सिलेक्ट किया वहां पर हमारे पास सरफेस क्रिएट हो रही है। सो नेक्स्ट वन कमांड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा फ्लैट बाउंड्री। आइए समझते हैं कि फ्लैट बाउंड्री का किस तरीके से यूज किया जाता है। फ्लैट बाउंड्री का यूज कर हम सरफेस के अंदर किसी भी प्रकार के फ्लैट कोई भी पार्ट है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कल हो, इलिप्स हो, कोई भी पार्ट है उसके लिए सरफेस क्रिएट करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। इसकी मदद से सरफेस क्रिएट करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपका जो पार्ट है वो फ्लैट होना चाहिए, एंड द सेकेंड वन कंडीशन ये है कि आपकी जो बाउंड्री है वो क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए। तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट करके रखा हुआ है, तो जैसे ही हम फ्लैट बाउंड्री पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले चेन सिलेक्शन करनी है जहां पर हमें सरफेस क्रिएट करना है। हमने इस चेन को सिलेक्ट कर लिया है, देन हमें ओके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने फ्लैट बाउंड्री की मदद से यहाँ पर हमने सरफेस को क्रिएट किया है। So, आइए अब हम कुछ सरफेस टैब में कुछ और कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब जिन कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं दो हमारे कमांड्स हैं। सबसे पहला हमारा एक्सट्रूड एंड देन सेकेंड वन कमांड है ड्राफ्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन में ये पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट में हमारे पास दो अलग अलग एंटिटीज है, जिसमें ऊपर वाली इस एंटिटी को हम ड्राफ्ट की मदद से बनाने वाले हैं एंड नीचे वाली इस एंटिटी को हम एक्सट्रूड करने वाले हैं, ताकि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस भी समझ में आ जाए। तो हमें सबसे पहले ड्राफ्ट करने के लिए हमें क्लिक करना ड्राफ्ट कमांड पर। जैसे ही हम ड्राफ्ट कमांड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें एंटिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने इस एंटिटी को ड्राफ्ट करना है, तो हमने ये एंटिटी सिलेक्ट कर ली है, देन प्रेस करना है ओके पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जैसे ही हम ड्राफ्ट कमांड के अंदर आते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कि लेंथ, तो इसमें हमें एग्जाम्पल के लिए पैरामीटर्स भी दिए हुए हैं कि आपकी जो एंटिटी है उसका लेंथ है 1 mm एंड इसकी जो उसका जो एंगल है वो है हमारा
5 डिग्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम किसी एंटिटी को ड्राफ्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ सरफेस क्रिएट करने के लिए वो ऊपर इस तरीके से हमारी ड्राफ्ट में सरफेस क्रिएट हो जाती है। यहाँ से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं कि हमें कौन सी साइड में उस एंटिटी को क्रिएट करना है, डिफाइन साइड या ऑपोजिट साइड। सो नेक्स्ट वन जो हम कमांड जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो हमारा एक्सट्रूड। सो एंटिटी को एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लिक करना है एक्सट्रूड पर। जैसे ही हम एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है चेन, जिस पार्ट को हम एक्सट्रूड करना चाहते हैं। जैसे ही हम एक्सट्रूड कमांड में चेन सिलेक्शन करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से कुछ पैरामीटर्स ओपन हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन रहता है हाइट की, जिसका अर्थ है कि कितने एमएम हम इसे एक्सट्रूड करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट वन आ जाता है कि स्केल, जिसका अर्थ है कि जिस चीज को आप एक्सट्रूड कर रहे हैं, सरफेस को एक्सट्रूड कर रहे हैं, उसका स्केल यदि हम बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल की जैसे ही मैं देख पा रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको स्केल को हाफ किया तो ये जो एंटिटी से हाफ हो गया। सिमिलरली यदि आप इस एंटिटी को या कहूँ कि सरफेस को रोटेट करना चाहें तो हमारे पास रोटेट का भी ऑप्शन रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 45 डिग्री पर रोटेट करना है तो मैं यहाँ पर यहाँ से भी रोटेट कर सकता हूँ। सिमिलरली यदि इसको हम ऑफसेट डिस्टेंस में भी क्रिएट करना चाहें तब भी कर सकते हैं, बट हमें इस समय ओनली हाइट देना है और इसका एंगल जो है 5 डिग्री वो देना है। तो हमने ड्राफ्ट एंगल भी दे दिया यहाँ पर 5 डिग्री। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब हम किसी एंटिटी को एक्सट्रूड करते हैं तो उसके बॉटम एरिया में भी एंटिटी क्रिएट होती है, उसके टॉप एरिया में भी एंटिटी क्रिएट होती है, और साथ ही जितने डिग्री पर हमने ड्राफ्ट किया होता है उतने डिग्री पर वो ड्राफ्ट भी हो जाता है। तो इस तरीके से हम एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हैं। एक्सट्रूड में कुछ और पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आप यदि चाहें तो डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस एक्सिस के अलोंग एक्सट्रूड करना है, एक्स के अलोंग, जेड के अलोंग, वाई के अलोंग या किसी और स्पेसिफिक वेक्टर के अलोंग। एंड सिमिलरली यहाँ पे आप डायरेक्शन भी सिलेक्शन कर सकते हैं। सो मास्टर कैम के सरफेस टैब में जो अगली हमारी कमांड है वो हमारी कमांड है फैंस। इस कमांड का आइए समझते हैं किस तरीके से यूज करते हैं और इस कमांड के अंदर क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, हमारे पास 3 अलग अलग पार्ट्स हैं जिनको हम इस कमांड की मदद से समझने वाले हैं कि इसके अंदर के पैरामीटर्स क्या रहते हैं और उनका किस तरीके से हम यूज करते हैं। इस कमांड का बेसिकली कोई भी नैरो सरफेस के अंदर यदि हमें इस तरह के पार्ट क्रिएट करना है, आपने कई सारे पार्ट्स में देखा होगा कि हमारे एरोप्लेन के फैन रहते हैं या विंग रहते हैं वो भी कई बार इसी शेप में रहते हैं, या फिर हम कोई भी एनिमल के विंग है वो भी हम कई बार इसी कमांड से बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना है इस कमांड पर। जैसे ही हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है सरफेस, कि कौन सी सरफेस के अलोंग या कौन सी सरफेस के नियर बाय आप इसको यूज करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं तीनों ही को एक एक बार समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है इस सरफेस को, देन आपको चेन क्रिएट करना है कि कौन सी एंटिटी को या कौन सी चेन को आप यूज करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे इस चेन को क्लिक किया है तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये फैंस बना है, बट कहाँ बना है, नीचे की तरफ बना है। तो यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करके इसको ऊपर की तरफ लेके आ सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, रिवर्स नॉर्मल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने ये कॉन्स्टेंट शेप के अंदर फैंस कमांड का यूज किया है। सो नेक्स्ट वन क्या है, हमें यूज करना है इन्हें लीनियर टेपर। सो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्लिक करना सरफेस, देन कौन सी एंटिटी के अलोंग आप इसे क्रिएट कर रहे हैं, देन प्रेस ओके। तो अब इसके लिए हमें पैरामीटर दे रखे हैं कि आपकी स्टार्टिंग हाइट कितनी होनी चाहिए, 1। बट ये हमें इसका मेथड कौन सा है, इसका मेथड जो है हमारा लीनियर टेपर। तो लीनियर टेपर का मेथड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका स्टार्टिंग हाइट 1, एंड हाइट इट शुड बी 0। तो जैसे ही मैंने इसको 0 पर क्लिक किया तो जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे एंटिटी में पीछे की तरफ हाइट जो है ऑटोमेटिकली 0 हो गई। यहाँ पर स्टार्टिंग एंगल 0, एंड एंगल 30 ओके।
एन एंगल 30। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसी हमारी ये एंटिटी है वैसी की वैसी ये हमारी एंटिटी बन गई है। जब आपको सरफेस के सभी टैब्स के बारे में या सभी कमांड्स के बारे में मालूम रहेगा, तो आने वाली वीडियोस में हम सरफेस की मदद से मॉडलिंग करने वाले हैं, जिससे कि आपको हेल्पफुल रहेगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इनको। सो नेक्स्ट वन जो हमारा, इसी तरीके से हम क्यूबिक ब्लेंड को भी क्रिएट कर सकते हैं। आईबीस की आप इसे भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं।